हेलो, गुड इवनिंग। मैं अभी एक छोटा सा ब्लॉग बना रहा हूँ। जस्ट मैं थोड़ा सा बाहर आया हूँ। हमारा एक गाड़ी ख़राब हो रखा है। NQB बोल के एप्लीकेशन है जो खेलमा किससे इधर पड़ता है। तो मैं एक हमारा एक ड्राइवर के साथ मैं गाड़ी को लेने जा रहा हूँ। इसमें एक यहाँ बस्ती जो लोकेशन है वो पूरा गाँव टाइप के, ये जो गाड़ी जा रहा है ये पूरा डीमापुर से आ रहा है। ये डीमापुर अतिबुमा डीमापुर से आ रहा है ये गाड़ी। ये मेरे पीछे यहाँ पर एक नदी है। ये जैसे कि एक गाड़ी और जा रहा है, एक गाड़ी और जा रहा है। और ये मेरे पीछे यहाँ पर एक नदी है, छोटा सा नदी। ये मेरे साथ जो ये जा रहा है एक बंदा, ये मेरे ही बंदा है। गाड़ी लेने के लिए जा रहे हैं हम NQB में। जिप्सी वहाँ पर खड़ा हो रखा है। तो मैं बोल रहा था कि ये रास्ता ना, हम सिविल ड्रेस में हम इसमें मूव नहीं करते। ये आज अचानक से हम उस सिर्फ गाड़ी को लाने के लिए मूव कर रहे हैं। और मेरा एक छोटा सा ब्लॉग है कि इसमें मैं थोड़ा दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि ड्रेस में हम यूनिफॉर्म में इसको शो नहीं कर सकता है। इसलिए मैं थोड़ा ये मेमोरी के लिए मैं अपना एक ब्लॉग बना रहा हूँ। जो इसमें भाई बड़ा हंस रहा है, बड़ा खुश हो रहा है सिविल ड्रेस में निकला बाहर से। तो ये सिविल ड्रेस ये है, ये क्या बोलता है, पगला नदी है। ये बहुत पानी हो जाता है इसमें। और ये है हमारा जो अतिबुंग का जो चेयरमैन है, जीबी है ये। हेलो, हाय करो। ये मेरे ब्लॉग में शामिल है अभी ये लोग। जो अभी मेरा ब्लॉग यूट्यूब में आएगा ये लोग इसमें दिखे देंगे। तो इनको मैं इसीलिए लेके जा रहा हूँ कि मेमोरी के लिए। अभी जब भी मिलेंगे फिर ये फेसबुक में इसमें मिलेंगे हम वीडियो में। ये एरिया ऐसे ही जंगल एरिया है, गाँव का रोड है। ये सामने जाऊँगा तो मैं काफ़ी, अभी दो तीन बस्ती और क्रॉस करने के बाद तब जाके ये जाऊँगा। ये हमारा जिप्सी है, जीबी का जिप्सी है। तो मैं अभी जस्ट बैठने वाला हूँ, तो बाद में फिर मैं चलते चलते इसमें अभी जो भी सीन आएगा उसमें मैं ऐड करूँगा। फिर देखते हम कहाँ पर पहुँचते हैं। ये मैं गाड़ी के अंदर आ गया हूँ। अब ये जो रास्ता दिखाता हूँ, ये जो रास्ता है बहुत अच्छा है। बड़ा ख़राब रास्ता है, क्रॉस कंट्री रोड है, जिप्सी है इसीलिए चल रहा है यहाँ पर। और सोमो चलता है इस रोड पर, अदरवाइज दूसरा गाड़ी चलना यहाँ पर बड़ा मुश्किल है। बाकी उठा के लेके जाना पड़ता है। जंगल ही जंगल है। पानी खेती है यहाँ पर। ये जैसे धान खेती है, ये धान खेती है यहाँ पर। जो गांव में भैंसा, जो हम भैंसा बोलते हैं, ये भैंसा इधर दिखाई दे रहा है यहाँ। ये पूरा धान खेती एरिया है। अपने आप ये धान खेती के बीच में छोटे छोटे घर नजर आ रहा है। ये जो छोटे छोटे धान खेती के बीच में जो घर आ रहा है, वो घर उसमें जो यहाँ का लेबर पार्टी है वो यहाँ पर जो धान खेत में काम करता है वो लोग वहाँ पर खाना वगैरह खाते हैं और यहाँ पर रेस्ट करते हैं। और ये हम लोग एक बोंगखोलुंग बोलने वाला जो विलेज में घुस रहा हूँ उसी का एक गेट है जो दिखाई दे रहा है सामने, बोंगखोलुंग। ये बोंगखोलुंग विलेज का ये है मेन, ये चर्च है वो चार्च। ये चर्च है और ये कम्युनिटी हॉल है। और ये जो आगे दिखाई दे रहा है ये चर्च है, काफ़ी बड़ा चर्च है। और गाँव भी है बड़ा। ये जीबी का घर है ना, ये जीबी का घर है। और एरिया काफ़ी, ये गांव बहुत बड़ा है। ये गाड़ी से इतना क्लियर खींचना बड़ा मुश्किल हो रहा है फोटो। काफ़ी लंबा बस्ती है ये, काफ़ी बड़ा है ये। कितना पॉपुलेशन है यहाँ पर आपका आइडिया? 500-600। हाँ, कम से कम यहाँ पर 600 से अबव यहाँ का जो पॉपुलेशन स्ट्रेंथ है इस विलेज का। ये जो भैंसा है, ये एक फुटबॉल ग्राउंड है यहाँ। जी भी गाड़ी चला रहे हैं, हम चल रहे हैं, लेकिन वापिस भी आना है हमने। हम देखते हैं कितना टाइम तक वापिस आ जाते हैं। रोड का कंडीशन बड़ा ख़राब है, कोशिश करेंगे जल्दी आने के लिए। बस्ती अभी तक ख़त्म नहीं हुआ।
काफ़ी बड़ा है बस्ती। यहाँ पर एक क्रेशर मशीन भी दिखाई दे रहा है, जो स्टोन यहाँ पर स्टोन क्रेशर मशीन जो दिखाई दे रहा है, यहाँ का विलेजर्स ये यूज़ करते हैं इसका। विलेज यहाँ पर तकरीबन ख़त्म हो गया, कोशिश करेंगे मैं सामने वाला विलेज में दोबारा एक और ब्लॉक बनाऊँ। यहाँ का विलेज यहीं तक ख़त्म होता है और कोशिश करेंगे अपने छोटा सा एक ब्लॉग और बनाऊँ एन क्यू बी में पहुँचने के बाद। ये जो रोड है, ये रोड में हम आगे जाने वाले हैं। चलो ओके, बाय, थैंक यू। अगर पसंद आता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। मैं इसको अपने अभी एडिटिंग करना पड़ सकता है, देखता हूँ अगर रात तक इसको एडिटिंग हो जाएगा मैं इसको अपलोड करूँगा, अपने डालूंगा इसमें यूट्यूब में मेरे चैनल पर। ओके, बाय, थैंक यू।